नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम शुक्ला। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सबसे इम्पॉर्टेंट टैब फार्मूलाज टैब के बारे में। यहां पर देखें तो सबसे पहले फंक्शन लाइब्रेरी है। इसमें हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यहां पर जब क्लिक करते हैं तो देखिए यहां पर है इंसर्ट फंक्शन। अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन आते हैं। यहाँ से कैटेगरी इंजीनियरिंग की लगी हुई है, हम आल लगा लेते हैं तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस आ रहे हैं। हम एक एक करके इन सभी का यूज़ करेंगे। आगे के सारे जितने भी दिए हैं यहाँ पर, ये सारे फंक्शन यहाँ पर भी मिलेंगे, लेकिन हमें एक शॉर्टकट में कोई फंक्शन अगर इंसर्ट कराना है तो यहाँ से हम ले सकते हैं। इन सारे फंक्शन के बारे में, सारे के बारे में तो नहीं चर्चा कर सकते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी। एक एक करके समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले है ऑटो सेम। ऑटो सेम को कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हमने लिया हुआ है और क्लिक करते हैं ऑटो सेम पे। तो देखिए यहाँ पर इन सभी का टोटल जो है ऑटोमेटिक कर देता है। ठीक, ऑटो सेम। फिर रिसेंटली यूज्ड में वो फार्मूले आते हैं जिन्हें हमने रिसेंट में यूज़ किया हो। ठीक, तो यहाँ पर वो सारे फॉर्मूले रिसेंटली यूज़ में आते हैं। फिर बात करें फाइनेंशियल फंक्शन की, यहाँ से हमारा जो है फंक्शंस स्टार्ट होते हैं। फाइनेंशियल फंक्शन पर अगर क्लिक करें तो यहाँ पर बहुत सारे फार्मूलेज हैं। यहाँ पर हम किसी एक की बात करते हैं, जैसे PMT है, इसको हम बात करेंगे ज़रा। देखिए यहाँ पर C2 पे आते हैं, C3 पे। यहाँ पर हमने PMT फंक्शन के बारे में कुछ पहले से डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ है, जैसे रेट। देखिए PMT फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है, पहले ये समझते हैं। जैसे अगर हमें पर मंथ इंस्टॉलमेंट अगर हमें चेक करनी हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक डेटा दिया हुआ है कि हमने कोई लोन लिया हुआ है 8 लाख का, 11% की दर से, रेट से, जो कि हमें 2 साल के लिए है। ठीक, मतलब 24 मंथ। तो हमें पता करना है कि पर मंथ हमको कितना इंस्टॉलमेंट देना होगा। तो हम बड़े आसानी से पता कर सकते हैं PMT फार्मूले की मदद से। यहाँ पर जाते हैं और इक्वल टाइप करते हैं PMT, और यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए आ रहा है रेट, तो हम यहाँ से रेट सेलेक्ट करेंगे। अब चूंकि जो रेट है वो ईयर वाइज दी हुई है, हम इसको मंथली वाइज करते हैं, डिवाइड बाई 12। ओके, और यहाँ पर दी हुई है पीरियड, इसको बताना है। यहाँ पर एन पीरियड मतलब कि कितने टाइम तक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 24 मंथ, जो कि हमें 24 महीने मतलब 2 साल के लिए लेना है, तो हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में इसको सेलेक्ट करने के बाद प्रेजेंट वैल्यू देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू मतलब कि जो हमने लोन लिया हुआ है 8 लाख है, इसको सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू और टाइप अगर हम देना चाहें तो दें, अदरवाइज हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को और एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आ चुकी है, लेकिन ये क्या है, डॉलर में आ रही है। तो हमें डॉलर के अगर इसको चेंज करना है तो हम आते हैं ज़रा होम पे। यहाँ पे देखिए डॉलर लगा हुआ है करेंसी के रूप में, इसलिए जो है ये डॉलर आ रही है। अगर हम यहाँ से मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे देखिए सिंबल जो है इसको हम चेंज कर देते हैं। ज़रा देखते हैं रुपया कहाँ पर है, ढूंढो जल्दी रुपया कहाँ है। यहाँ से हमने कोई भी सेलेक्ट कर लिया, देखिए रुपया तो पूरे हिंदुस्तान में चलता है, तो ओके किया। और ये क्या माइनस आ रहा है, माइनस इसलिए क्योंकि हमें रुपए देने हैं, इसलिए माइनस दे रहा है। लेकिन अगर हम पॉइंट वाइज वैल्यू अगर नहीं चाहते हों तो यहाँ से जाकर के हम डिक्रीज करा सकते हैं, और इस तरीके से हमको विदाउट पॉइंट की वैल्यू मिल जाती है। तो हमने PMT फंक्शन के बारे में चर्चा करी, जो बहुत ही ज़्यादा खास है फंक्शन। फिर हम बात करने वाले हैं, यहीं पर आते हैं फार्मूलाज पे, और फाइनेंशियल का हमने एक उदाहरण बताया। अब लॉजिकल पे बात करते हैं ज़रा। लॉजिकल में जैसे बहुत सारे हैं, एंड फॉल्स इफ एरर, जैसे हम किसी एक को लेते हैं ज़रा, यहाँ पर से लॉजिकल एंड को ले लेते हैं। ओके, लॉजिकल वन। यहाँ पर जैसे कि हम लॉजिक देंगे कोई, मैंने दिया हुआ है 20 + 20 = 40। ठीक, फिर सेकंड पे आते हैं, यहाँ पर हमने कोई लॉजिक दिया है 16 कर देते हैं, और इक्वल टू लगाते हैं 30। अब देखिए यहाँ पर हम गलत दे रहे हैं, ओके, और इसको जरा ओके कराते हैं। यहाँ पर ये फॉल्स दे रहा है।
अच्छा एंड और में अंतर यह है कि अगर हमने कोई दो लॉजिक दिए हों उनमें से अगर कोई एक गलत हो तो एंड जो होगा वो आंसर फॉल्स ही देगा, और जो और होता है अगर उनमें से कोई भी एक सही है तो आंसर सही दे देता है। अगर हमको ये चीज़ जो है फिर से ज़रा सही करानी है तो हम क्या करेंगे, 16 की जगह पर यहाँ पर जाते हैं और 15 कर देते हैं, और जब इसके बाद एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर ट्रू दे रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर से जा करके चेंज भी कर सकते हैं, मतलब एंड को एंड का यूज़ यही है, अगर एक भी अगर ट्रू है सॉरी एक भी अगर फॉल्स है तो फॉल्स दे देता है। ठीक, तो लॉजिकल फंक्शन के बारे में बात थी, फिर बात करें हम टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पर टेक्स्ट पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ बहुत सारे फंक्शन आते हैं, तो इन पर जब बहुत सारे फंक्शन इनमें से कोई एक दो के बारे में चर्चा करते हैं। कॉनकैटिनेट होता है कोई दो टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, इसका भी हम बताते हैं। जरा यहाँ पर देखिए लोअर दिया हुआ है, हम क्या करेंगे जरा इसको यूज़ कर लेते हैं, लोअर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर वो टेक्स्ट देते हैं जिसको हमें लोअर में बनाना है, इसको हमें जैसे बनाना है। ओके करेंगे, और यहाँ पर देखिए शिवानी में जो एस था वो बड़ा था, यहाँ पर लोअर में हो चुका है, हम चाहते हैं कि इसको अपर केस में बदलें, तो इसका एक जहाँ तक डायरेक्ट यहाँ से भी हम टाइप कर सकते हैं अपर केस अपर और ब्रैकेट ऑन करेंगे और इसी को ले लेते हैं और एंटर दबाते हैं। देखिए अब यहाँ पर सारे लेटर कैपिटल में हो चुके हैं। ओके, तो ये टेक्स्ट फंक्शन का उदाहरण है। फिर डेट एंड टाइम फंक्शन आता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कोई डेट इंसर्ट कराते हैं, जैसे हमने इंसर्ट कराई है 12/08/2019। ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, नहीं आ गई है चलो वैल्यू, और ओके करते हैं। अब यहाँ से हम जरा निकालते हैं एक एक करके वैल्यू, चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ईयर, ईयर इस पर क्लिक करते हैं। ओके, एंटर, फिर हम जरा यहाँ पर से मंथ निकालते हैं, मंथ ये फार्मूला ही है ईयर डे मंथ का निकालने का, और यहाँ से हम इक्वल टू डे निकालने के लिए डे करते हैं और यहाँ से इस तरीके से इसको सेलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं। देखिए यहाँ पर ईयर मंथ और डे आ चुके हैं, अगर हम इनको चाहते हैं कि फिर से ये डेट के रूप में शो हों तो यहाँ से जाते हैं डेट, सबसे पहले देखिए ईयर आ रहा है तो हम ईयर को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा मंथ को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा डे को सिलेक्ट करते हैं। ओके, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं, देखिए डेट का फिर फॉर्मेट आ चुका है। तो ये हो गया हमारा डेट एंड टाइम फंक्शन का एक उदाहरण। फिर हम बात करेंगे लुकअप एंड रेफरेंस में, यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है वी लुकअप या एच लुकअप। वी लुकअप की बात करें तो देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने एक सैलरी चार्ट इंसर्ट कराया हुआ है, यहाँ पर देखते हैं अप्लाई करके वी लुकअप कैसे यूज़ करते हैं, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे फंक्शंस हैं और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वी लुकअप के बारे में, क्योंकि वी लुकअप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फार्मूला है। इसके मदद से हम कोई एक बहुत बड़े चार्ट या लिस्ट में से किसी एक पर्सन या किसी एक कंटेंट की जो है हम वैल्यू फाइंड करा सकते हैं। देखिए कैसे फाइंड कराते हैं, आइए यहाँ पर इक्वल टू टाइप करते हैं वी लुकअप और ब्रैकेट ऑन करते हैं। देखिए हम जैसे कि यहाँ पर गोलू नाम का कोई व्यक्ति है और उसकी हमें नेट सैलरी पता करनी है एम्प्लॉई के, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वी लुकअप फार्मूला टाइप करेंगे और यहाँ पर उसको सेलेक्ट करते हैं जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करानी है। ठीक, और उसके बाद में कॉमा लगाते हैं, यहाँ पर अब पूछ रहा है टेबल एरे, तो हमको क्या करना है कि टेबल एरे सेलेक्ट करनी है कि किस में से उसकी वैल्यू फाइंड करानी है। तो यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर के साथ अगर हम इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा, हमको चूँकि वैल्यू जहाँ से दी है वहाँ से हमको टेबल एरे सेलेक्ट करनी होती है। तो हमने यहाँ से इसकी तरीके पूरा एक टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया है, अब कॉमा लगाते हैं, यहाँ पर हमको कॉलम इंडेक्स नंबर देना है कि किस चीज़ की वैल्यू हमें पता करनी है। जैसे गोलू नाम के व्यक्ति की हमको नेट सैलरी पता करनी है तो हम क्या करेंगे यहाँ से कॉलम गिनते हैं कि कौन से नंबर पे उसकी नेट सैलरी, देखिए यहाँ पर सारे लोगों से हो रही हैं तो किस कॉलम इंडेक्स में नेट सैलरी है, बस कॉलम का नंबर देना होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर पे है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर 10 दे देंगे। और फिर जब कॉमा लगाते हैं तो देखिए यहाँ पर ट्रू और फॉल्स यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए ट्रू तब देते हैं जब हमें किसी एक वैल्यू के अबाउट में अगर पता करना हो,
मतलब अबाउट वैल्यू वहाँ तक दे दे, लेकिन फॉल्स तब देते हैं जब हमें एग्जैक्ट मैच कराना हो, हमें एग्जैक्ट पता करनी कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉल्स टाइप कर देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर दबा देंगे। ओके तो देखिए हमें पता चल गया है कि गोलू की जो नेट सैलरी है 52,000 है, तो बहुत आसानी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। फिर हम बात करें मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, तो इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं और यहाँ पर हम किसी एक को ले लेते हैं, इसे एबीएस। ठीक, एबीएस क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कराना होता है। जैसे कि हम यहाँ पर अगर टाइप करें इक्वल टू एबीएस, ठीक, अब हमें पता है कि हमने जैसे कोई माइनस में वैल्यू टाइप कर दी है, जैसे -1500 और ब्रैकेट क्लोज एंटर दबा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1500 हमने माइनस में टाइप किया था लेकिन वो प्लस में आ चुका है, तो किसी भी वैल्यू को जो भी माइनस में है तो उसको एग्जैक्ट प्लस में कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। फिर यहाँ पर बहुत सारे और भी फंक्शन हैं, मोर फंक्शन में जैसे स्टैटिस्टिकल में जाएं, तो स्टैटिस्टिकल में बहुत सारे फंक्शन हैं, तो हम जरा एवरेज को ट्राई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एवरेज लगाते हैं, नंबर वन देना है जो भी पहला नंबर हो, यहाँ पर हमने कोई भी टाइप कर दिया, जैसे 45 दे दिया, दूसरा नंबर हमने दे दिया 78, तीसरा नंबर दे दिया, इस तरीके से कुछ भी। ठीक, तो हम जितने चाहे उतने दे सकते हैं और ओके करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इन सभी को टोटल करके और उसका एवरेज यहाँ पर निकाल दिया है, तो बड़े आसानी से हम एवरेज प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं, दिया हुआ है नेम, डिफाइन नेम, एरिया पहले सेलेक्ट करना, ठीक, और यहाँ पर जाना डिफाइन नेम, यहाँ पर कोई एक नाम देते हैं इसको, जैसे मान लें डी नाम दे दिया और ओके कर दिया, ये इस एरिया का नाम हो चुका है। अब हम इस पर जाते हैं, कोई बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं ताकि हम ध्यान रहे कि हमने इस एरिया को सेलेक्ट किया था, और यहाँ से दूसरा एक जाते हैं फार्मूलाज, और यहाँ पर हमने इसका भी नाम को डिफाइन कर दिया है, जैसे कि ई नाम डिफाइन कर दिया है और ओके करेंगे, इस पर भी बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं ताकि हमको ध्यान रहे इस तरीके से, और ओके करते हैं। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर हम कोई वैल्यूज़ अगर डाल दें यहाँ से ऐसे, ठीक, और इक्वल, अब ज़रा हम इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं सम, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक नंबर होता है, हम क्या करेंगे यहाँ से इसको रेफरेंस की तरह यूज़ करेंगे, यूज़ इन फार्मूला, जैसे कि हमने यहाँ पर डी और ई नाम से बनाई थी, डी यहाँ पर हमने क्लिक करा और यहाँ से हमने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर दबा दिया। अब देखिए इसमें पड़ी हुई वैल्यू सारी जो है उसने कैलकुलेट कर दी, हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी कुछ जैसे वैल्यू दे दें इस तरीके से, ओके, फिर यहाँ पर इक्वल लगाएं सम, इस बार हम क्या करेंगे यूज़ इन फार्मूला में डी फर्स्ट और कॉमा दे करके दूसरी को भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, ई को भी, और शिफ्ट के साथ में क्लोज करेंगे, एंटर दबाते हैं, तो इन दोनों की जो वैल्यू है उसने कैलकुलेट कर दे दी है। ओके, तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है नेक्स्ट क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन, जैसे कि हमने कोई सिलेक्शन किया है उससे अगर हमें कुछ फाइंड कराना हो, जैसे कि हम क्या करते हैं इस रो को ज़रा सेलेक्ट करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन, यहाँ पे ये बताना है कि कहाँ से हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेफ्ट कॉलम मतलब कि सबसे लेफ्ट वाले कॉलम से करनी है, तो हम लेफ्ट कॉलम पे क्लिक कर देंगे। टॉप रो जो होती है वो कॉलम सेलेक्ट करने पर हमको सेलेक्ट करना होता है, अगर रो सेलेक्ट करते हैं तो हमको लेफ्ट कॉलम सेलेक्ट करना होता है, और ओके कर देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में यहाँ पर आते हैं इसको डिफाइन नेम, कोई एक नाम डिफाइन करते हैं, यहाँ पर चूँकि रो सेलेक्ट करें हैं तो हम थोड़ा सा यहाँ पर दो तीन नंबरों का नाम देते हैं, दो तीन अक्षर का, SDF नाम से मान लिया हमने कर दिया है। ओके, फिर उसके बाद में हमने दूसरी इसी तरीके से रो सेलेक्ट करी और यहाँ पर आया क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन, फिर से हमने लेफ्ट कॉलम सेलेक्ट किया और इसका भी कोई नाम डिफाइन कर देते हैं, सॉरी ओके पहले क्लिक कर दें, और यहाँ पर डिफाइन नेम और इसका नाम जैसे हमने दे दिया SSF, ओके, और यहाँ पर इसका भी नाम डिफाइन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कोई इक्वल लगा करके यूज़ इन फार्मूला पे आते हैं SDF और प्लस और SSF, अभी जैसे एंटर कर देंगे तो यहाँ पर इन दोनों में अगर हम कोई वैल्यू लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। जैसे कि हम इसको क्या करते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं थोड़ा सा लंबा और भी। अब इन दोनों में देखिए आप कहीं कोई भी वैल्यू लिखी है 78 और 45, और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो ये कैलकुलेट करके देना चाहिए 85
84 यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर रहा है, इक्वल टू सम, और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से यूज कर लें, एसटीएफ कॉमा एसएसएफ और एंटर कर दें। देखिए अब आ चुकी है वैल्यू, और यहाँ से हम इसको करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। अब देखिए यहाँ पर इन सभी में ये बता रहा है, कर देंगे इसका सम आ रहा है ये, ठीक। हम क्या करते हैं एक और कोई वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक, और यहाँ पर करते हैं फॉर्मूला सम, ठीक। इस तरीके से हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, कोई दूसरी एक वैल्यू सेलेक्ट कर ली और एंटर कर दिया। अब जरा ट्रेस प्रेसिडेंट पे चलते हैं, फार्मूलाज पे गए, यहाँ पे आए ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ पर जो वैल्यू सेलेक्ट नहीं थी तो कैसे काम करेगा, ट्रेस प्रेसिडेंट पे जब काम करते हैं तो देखिए ये सारी वैल्यू जो है इसका सम है और ये वाली भी, तो हमको एरो के रूप में शो करा देता है कि कौन सी वैल्यू जो है इससे रिलेटेड है ट्रेस प्रेसिडेंट के थ्रू। और इसी तरीके से ट्रेस डिपेंडेंट जैसे इसका उल्टा होता है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर 12 लिखें, जैसे इक्वल टू 12 इंटू 5, ठीक, और एंटर कर दें, या फिर इस तरीके से नहीं शो होगा, हम क्या करते हैं इनको अलग अलग लिखते हैं 12 5, ठीक, और यहाँ पे जाते हैं इक्वल टू, इसको सेलेक्ट करते हैं, इनटू इसको सेलेक्ट करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो देखिए दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 60 होता है, लेकिन इनको हम ट्रेस प्रेसिडेंट के थ्रू कैसे समझते हैं, जैसे 12 को हमें पता करना है किससे रिलेट करता है, ट्रेस डिपेंड पर जाएंगे और ये यहाँ पे बताएगा कि इससे ये चीज़ रिलेट करती है। इस तरीके 5 को भी बताएगा, ठीक, 5 भी इसी से रिलेट करती है। अगर हम ये एरो रिमूव कराने हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, एरो रिमूव हो जाएंगे। सो फार्मूला के थ्रू हम शो करा सकते हैं कि हमने फार्मूले अपनी सीट में कितने इस्तेमाल करे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये फार्मूले सारे बता रहा है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर को इधर करके स्क्रॉल करके देख सकते हैं कौन कौन से फार्मूले हमने अप्लाई करे हैं। ओके, सो फार्मूले को अगर हटा देंगे तो हट जाएगा। फिर यहाँ पर एरर चेकिंग, मतलब एरर चेकिंग इसी का ही पार्ट है, एवेल्यूएट का, जैसे कि हमने इसको पता करना है कि इस पर हमने कौन कौन से फार्मूले किस तरीके से अप्लाई करे हैं, तो एवेल्यूएट कर सकते हैं फार्मूला अपना। यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से अप्लाई करा था, एवेल्यूएट पे क्लिक करते हैं तो एक एक स्टेप बताएगा, 12 को यहाँ पर n10 के थ्रू मल्टीप्लाई किया गया, अगले स्टेप में देखिए यहाँ पर n10 की जगह 5 आ गया, तो हमको एक एक चीज़ जो है पता चल जाती है और इसका रिजल्ट 60 आया है। तो एवेल्यूएट के थ्रू हम एक एक चीज़ बड़े आसानी से एवेल्यूएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है वॉच विंडो। वॉच विंडो क्या होती है बेसिकली, कि किस ये विंडो जो होती है हर एक सीट में हमारी उपलब्ध रहती है, जिस चीज़ को हम सेलेक्ट करके उस पर हम वॉच करा दें। जैसे हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ऐड वॉच पे क्लिक कर दें, ठीक, तो ऐड कर देगा और ये सीट जो है हमको सब जगह दिखती रहेगी, ठीक, बुक वन सीट वन और ये वैल्यू दी है। जैसे कि हम अगर सीट टू पे आएँ तब भी हमको दिख रही है, सीट थ्री पे आएँ तो हमें कोई ऐसी वैल्यू जो हमें याद रहे सामने हमारे रहे, बैटरी लो हो रही है कोई दिक्कत नहीं, ठीक, यहाँ पर जो है हमको पता करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा कैलकुलेशन ऑप्शन। अब इसको देखिए समझते हैं, यहाँ पर हम एक नई सीट पे आते हैं और यहाँ जो हमने कुछ डेटा पहले से डाल रखा है, अब इस पे जरा हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे सम है SUM और हमने वैल्यूज सेलेक्ट कर ली हैं और इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। अब देखिए क्या है, बेसिकली हम यहाँ से अगर कोई चेंजेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने 80 कर दिया, तो देखिए ये वैल्यू भी चेंज होगी जब एंटर प्रेस करेंगे, 488 है, देखिए ऑटोमेटिक ये चेंज हो रही है क्योंकि ये चीज़ पे डिपेंड करती है। अगर हम जाएं कैलकुलेशन ऑप्शन में, इसको ऑटोमेटिक के बजाय मैनुअल कर दें, तो जब भी हम जैसे कि यहाँ पर 56 के बजाय अगर हम 80 करते हैं, अब देखिए यहाँ पर 472 है, अगर हम एंटर करें वहाँ से तो ये चेंज नहीं हुआ, 472 का 72 ही रहा। तो हम क्या करें, अब हम चाहें तो अलग से कैलकुलेट करा सकते हैं। अगर जैसे मान लें कि हमको थोड़े से चेंजेस कर लिए हैं, यहाँ पर हमने इसको 78 दे दिया, और भी कई सारी जगह चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि हम यहाँ पर कैलकुलेट नाउ पे क्लिक नहीं करते हैं। अब देखिए कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करा तो यहाँ पे चेंजेस हो गए। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया जो मैनुअल तरीके से करते हैं तो बाद में कैलकुलेट करते हैं, या फिर ऑटोमेटिक लगा रहने देते हैं। और यहाँ पर हमारा फार्मूला स्टेप पूरा समाप्त होता है। तो दोस्तों आपको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा हुआ है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें
और उसके बगल में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट तुरंत मिल सके और आप रहें सबसे आगे। अगर आपको लगता है कि जो लोग आपके खास हैं और ये वीडियो उनके काम आ सकता है तो उन्हें अवश्य शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।